तो सर, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सफल निवेशक किस तरह से निवेश करते हैं? वो ऐसी कंपनीज को बाय करने की कोशिश करते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और जिनके प्राइसेस बहुत अच्छे दाम पे मिल रहे होते हैं। जी हाँ, जब स्टॉक्स 52 वीक हाई से बहुत दूर हो, 52 वीक लो के काफी नजदीक हो, तब ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनमें निवेश करने की कोशिश करते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के जाने माने निवेशक है, वो भी ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं और बेस्ट प्राइस पे स्टॉक को खरीदने की हमेशा से उनकी कोशिश रहती है। जिस तरह से मार्केट क्रैश हो रहा है, कभी कभी स्टेबल भी होता दिखाई देता है, ऐसी गिरावट के समय पर आप अच्छे स्टॉक्स को हमेशा से एक्युमुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए 12 बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं, जो हर गिरावट में खरीदने की आप कोशिश कर सकते हैं स्टडी करने के बाद। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग और निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और देश के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको दिए हैं, स्पेशली फायर्स, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, स्टॉक्स कार्ड, पेटीएम मनी। आप किसी के साथ भी अपने डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 52 वीक के निचले स्तर के आसपास कौन कौन सी कंपनी ट्रेड कर रही है और ऐसी कौन सी 12 कंपनी है जो मैंने लिस्ट में शामिल की है। सबसे पहली कंपनी है लिस्ट में लक्स इंडस्ट्रीज, जिसका 52 वीक लो है 1972 और अभी चल रही है 2006 के आसपास में। जस्ट डायल, जिसका 52 वीक लो है 644, चल रही है 661 के आसपास में। पीएनबी हाउसिंग, 50 वीक का लो है 311 रुपए, अभी चल रही है 322 रुपए के आसपास में। एलआईसी, जिसका आईपीओ भी आया, 811 का लो बनाया है, 811 के आसपास में चल रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर, लो बनाया है 223 रुपए के आसपास का, अभी चल रही है 238 रुपए। टाटा कम्युनिकेशंस, जिसका लो है 906 रुपए, अभी चल रही है 985 रुपए। आईसीआईसी लोम्बार्ड, जिसने लो बनाया 1192 रुपए का, अभी चल रही है 1265 रुपए पे। एचपीसीएल, जिसने 226 का लो बनाया, 227 के आसपास चल रही है। एनएमडीसी, 119 का लो है, 126 के आसपास में चल रही है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, जिसका लो है 1450 का, अभी चल रही है 1500 रुपए के आसपास में। डिविस लैब, जिसका लो है 3365 रुपए का, अभी चल रही है 3602 रुपए के आसपास में। आरईसी, जिसने लो बनाया 115 रुपए का, 118 चल रही है। ये 12 कंपनी 52 वीक लो के आसपास है, काफी नजदीक है। और अच्छी बात ये है कि सभी के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। एलआईसी को तो हाल ही में हम देखा, इसका आईपीओ लेटेस्ट आया था और बहुत ही दिग्गज और स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही बेहतर रिटर्न्स है इस कंपनी के, बहुत ही शानदार कंपनी है। दोस्तों, हम सबको पता है कि ये कितनी स्ट्रांग कंपनी है और अब बुलिश मार्केट में ये कितना बेहतर रिटर्न्स देंगी। इसके अलावा ना सिर्फ ये अपने 52 वीक लो के आसपास में है, जबकि अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रही है। क्या ये अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है एलआईसी का? इसके अलावा लिस्ट की कुछ कंपनीज में अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। डिविडेंड पे करने वाले के शेयर्स को अगर आप निचले स्तर पर खरीदने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखना चाहें तो एचपीसीएल, आरईसी, एनएमडीसी का स्टॉक खरीदना बहुत सही रहेगा। पिछले साल के डिविडेंड के आधार पर तीनों शेयर्स में डिविडेंड यील्ड लगभग 7 से 12% के आसपास है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन की बात की जाए तो एक समय पे 1590 तक जा चुका है शेयर और आज 900 रुपए के आसपास में है ना, शानदार समय खरीदने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी स्टॉक्स तो 52 वीक लो के नजदीक हैं और स्ट्रांग भी, लेकिन ये सब स्टॉक लेने लायक हैं या नहीं, वैसे तो आप सब में निवेश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिविजलैब ग्लैक्सो के रेट गिरने के बाद भी काफी महंगे हैं, इनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है। और क्या पता इस ग्लोबल टेंशन में कब कौन सा शेयर कब चले, कौन से फार्मा स्टॉक्स पे फिर से कोई एफडीए का बैन लग जाए, क्या हो क्या नहीं कुछ मालूम नहीं है, तो फार्मा को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और डिप में खरीदने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप एक स्ट्रेटजी के तहत इनमें प्लान कर सकते हैं, आप एसआईपी प्लान कर सकते हैं, धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक गिर भी जाता है तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड के हिसाब से सही स्तर पर आप इसको एक्युमुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक गिर भी रहे हैं तो श्योर है ये भागेंगे भी। ये है डिप में खरीदने के फायदा जो दुनिया भर के स्मार्ट निवेशक करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा अच्छे शेयर्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो जिस भी गिरावट के अंदर में अगर आपने एक लिस्ट बनाई है, आपके पास जैसे 12 शेयर्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको किसी शेयर को लेने की यहां सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हां, अच्छे शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो किसी भी गिरावट में, किसी भी करेक्शन के अंदर में, किसी भी डिप के अंदर में अगर आप ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट अगर अपनी भी बना लेते हैं या इन शेयर्स में भी निवेश करना चाहते हैं तो पूरी स्टडी के साथ कीजिए, पूरा एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए। और डिप में एसआईपी करने का फायदा बेहतरीन है गाइस, या तो आप फंड में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप अपने शेयर्स को एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे शेयर्स आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़िएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज की सबको आवश्यकता है। और दोस्तों, मुझे 9:15 डेली लाइव सेशन मिलिए ताकि हम देख सकें कि कैसे डेटा की रीडिंग होती है, कैसे मार्केट के हाई और टॉप को पकड़ा जाता है, कैसे बॉटम पे स्टॉक्स में एंट्री की जाती है, कैसे नेकेड ऑप्शंस को ट्राई किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है बिना किसी प्राइस एक्शन के, बिना किसी इंडिकेटर के। मिलते हैं सुबह 9:15 पे डेली। और ऐसे कंटेंट को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स और ज्यादा मोटिवेट करेंगे ऐसे कंटेंट्स आपके साथ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।